drop it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट के 70 वीडियोस अपलोड किए हैं और आई होप आपने हर एक वीडियो को पक्का देख लिया होगा। तो जो भी मेरा वीडियो नंबर 70 था दोस्तों, तो वो वीडियो में वहां पे मैंने आपका जो जर्नल वाला चैप्टर है ना, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। बस उसका कुछ थोड़ा सा मेरा पार्ट बाकी, तो वो अपन कभी और कवर कर लेंगे। आप सभी लोग मुझे इतने दिन से कंटिन्यूस बेसिस पे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज लेजर चैप्टर लो, तो इस रीजन पे यहाँ पे मैं जर्नल को कंटिन्यू का जो थोड़ा सा पार्ट बाकी ना, वो अपन नहीं कर रहा हूं, अभी बाद में देख लेंगे अपन। आज मैं आपका लेजर वाला जो पार्ट है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस नाम का एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, बराबर? क्या आपको थोड़ा बहुत याद है क्या? मुझे कमेंट में पक्का बताना। तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस नाम का कॉन्सेप्ट होता है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले वहां पे मेरा क्या होने का बताओ? तो सबसे पहले तो वहां पे मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के, सबसे पहले मेरे वहां पे क्या होने के बोलो? बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के, बराबर। और ये सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैं सबसे पहले क्या करने का बोलो? जो भी अपने लास्ट इसमें देखा ना जर्नल वाला चैप्टर, राइट, उसमें अपन जर्नल वाली बुक में हम उसका रिकॉर्डिंग करने के, हम उसका जर्नल एंट्री करने के। और ये जर्नल एंट्री एक बार होने के बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप होने का, वो हमारा होता था लेजर। क्या होता था बोलो? लेजर होता था, राइट। तो ये जो चैप्टर है फोर्थ वाला, इसके अंदर हमको वही देखना है कि जर्नल बनाने के बाद उसके जर्नल की मदद से हमको लेजर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे जर्नल का एक स्पेसिफिक बुक था क्या? नहीं था, बताओ। जहां पे आपने डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऐसे वहां पे अपन ने एक फॉर्मेट बनाया था, और वो फॉर्मेट के अंदर वहां पे हम जर्नल एंट्री को कवर करने के, राइट। उसी प्रकार से जो भी आपका लेजर चैप्टर है ना बेटा, ये लेजर में भी एक बुक होता है, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जो आपका इस तरीके से दिखेगा। मे बी आपके घर में अगर कोई बिजनेस वगैरह करता होगा, या आप अगर बिजनेस वाले फैमिली से बिलोंग करते होगे, राइट, तो वहां पे आपको शायद एक रेड कलर का ऐसा बुक दिखता होगा, और जिसके अंदर आप अगर देखोगे तो वहां पे इस प्रकार का कुछ आपको फॉर्मेट वहां पे दिख जाएगा, बराबर। तो ये आपका किसका फॉर्मेट है बोलो? लेजर का फॉर्मेट है, समझा? तो हमको क्या करना है दोस्तों, इसी प्रकार का एक हमको फॉर्मेट बनाना है हमारे नोटबुक में, और हमको वहां पे जर्नल की मदद से लेजर में वहां पे पोस्टिंग करना है। इतना हमेशा रखना कि जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जब भी आप क्या जर्नल एंट्री करते हो उसको अपन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप जर्नल एंट्री की मदद से लेजर में वहां पे आप अगर अकाउंटिंग करोगे तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं बोले दिस? उसको हम पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, या उसका और एक नाम है, उसको अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। समझ रहे हो क्या? हमेशा याद रखना, लेजर मतलब क्या? पोस्टिंग या क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, आपका जो भी उन्होंने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 89 है ना, तो वो 89 पेज से यहाँ पे लेजर का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बराबर। तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस है ना, उन्होंने हमको पूरा थियोरेटिकल चीजें दी है, बराबर। तो मैं आपको क्या करूंगा, ये जो भी थियोरेटिकल चीजें है ना, बस एक बार अपन ये फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेंगे। लेकिन ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोलो? ये लेजर वगैरह जो है ना, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये हमको सीखना ये चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है, समझा? तो सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे जो भी लेजर का थ्योरी है ना, वो अपन कंप्लीट करेंगे, और फिर अपन अगले वीडियोस में उसको आगे 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 कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जैसे आपको मैंने बोला कि आपका जो लेजर है, राइट, ये लेजर है आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर का एक पार्ट है, बराबर। तो लेजर मतलब क्या है ना, अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों, लेजर मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो सभी के सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक समरी रिकॉर्ड होता है। क्या बोला? लेजर मतलब क्या? हमारे जितने भी वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए, वो सभी के सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक समरी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, पहले इधर उधर डिस्कशन करने से अच्छा अपन सबसे पहले यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने जो इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है ना, उसको अपन एक बार देख लेते, और फिर अपन धीरे धीरे जब आगे आएंगे ना, तो वहां पे अपन मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये जो भी चीजें ये कवर करते टाइम अपन इसके बारे में और डीप में जान लेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो उन्होंने हमको इंट्रोडक्शन में दिया है ना, तो इंट्रोडक्शन में वहां पे वो क्या बोल रहा है कि जब भी हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या कि जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस में ऑब्वियसली आपको ये तो पता है कि जब भी अपन जर्नल एंट्री करते हैं, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन अपन कैसे रिकॉर्ड करते बोलो? डेट वाइज करते, राइट, और उसको ही अपन बोलते हैं
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बराबर है ना। जैसे जैसे अपन ट्रांजेक्शन करेंगे उसी प्रकार से वहां पे अपन क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। यस और नो बताओ जल्दी से। तो अपन जब भी दोस्तों वहां पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको अपन एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इतना याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे ना हमारे मेनली दो प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। कितने प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं बोलो? दो प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा होता है जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है ना। तो सब्सिडियरी बुक्स मतलब आपको ये पता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो परचेस बुक होता है, सेल बुक होता है, परचेस रिटर्न बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है, कैश बुक होता है, ये सारे के सारे क्या है बोला हमारे जल्दी से? सब्सिडियरी बुक्स है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है बोलो? लेजर नाम का बुक होता है। तो ये जो लेजर नाम का बुक होता है ना, इसको हम सेकेंडरी बुक या बुक ऑफ फाइनल भी बोलते हैं, समझा। अभी इसको सेकेंडरी बुक क्यों बोलते हैं बताओ, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो अच्छे से। देखो दोस्तों, लेजर को हम सेकेंडरी बुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन उसको कहां पे लिखते हैं बोलो? जर्नल में लिखते हैं। इसलिए जर्नल को ये बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोला जाता है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। और जर्नल बनने के बाद अपन क्या करते हैं बोलो? लेजर को प्रिपेयर करते। इसलिए दोस्तों लेजर को ना हमेशा सेकेंडरी बुक बोला जाता है, इतना क्लियर है। अभी देखो, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि अपन जब भी जर्नल के अंदर वहां पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं, तो वो जर्नल के अंदर अपन सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे अपन अगर अपन ने कोई एसेट अगर परचेस किया होगा, या मान लो कि अगर हमने कोई लायबिलिटी को अगर पे ऑफ किया होगा, हमने कोई अगर एक्सपेंडिचर किया होगा, इनकम किया होगा, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि जर्नल के अंदर अगर अपन सभी ट्रांजेक्शन को अगर एक साथ अगर मिक्स कर देंगे, तो वहां पे मुझे ये स्पेसिफिकली पता चलेगा क्या बोलो कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने यहाँ पे कितना परचेस किया, या ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना सेल किया, या एखादे स्पेसिफिक पर्सन के पास से मुझे कितना पैसा लेना है, या एखादे स्पेसिफिक पर्सन को मुझे कितना पैसा देना है। तो ये हर एक चीजें मुझे वहां पे जर्नल में से नहीं समझता था, बराबर। तो यही दोस्तों हमारे लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए वहां पे अपन क्या करेंगे बोलो? ये लेजर नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, समझा क्या? क्योंकि लेजर में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे अगर परचेस की बात करें, तो मैं क्या करूंगा, एक परचेस का एक सेपरेट अकाउंट वहां पे बना दूंगा, और जितने भी मैंने परचेसेस के ट्रांजेक्शन किए हैं, वो सारे के सारे परचेसेस के ट्रांजेक्शन को वो परचेस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा, बराबर। तो जब भी वो स्पेसिफिक आइटम के रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मुझे एग्जैक्टली ध्यान में आएगा कि हाँ बाबा, मैंने साल भर में कितने परचेस किए हैं और यहाँ पे मेरा कितना परचेस की वजह से खर्चा हुआ है, समझा। तो ये सब स्पेसिफिक चीजों का जब भी मुझे स्टडी करना होगा, तो वो टाइम पे दोस्तों मुझे लेजर नाम का ये जो चैप्टर है वो काम को आता है, समझ रहे हो क्या। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमको फिर जो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर दे, उसमें उसके अंदर क्या दिया, देखो एक बार अपन उसका देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। तो देखो क्या बोल रहा है, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल मतलब क्या, ये मेन बुक ऑफ अकाउंट अपन इसको बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अभी आप सभी लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन आता होगा कि सर जो भी लेजर है उसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्यों बोलते वाला? तो ध्यान दो, मुझे एक बात बता दोस्तों कि जब भी मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस से चीज सिखाया था, बराबर, तो मैंने आपको क्या बोला था कि लेजर के बाद वहां पे हमको एक ट्रायल बैलेंस करके एक चीज बनाना पड़ता है, बराबर। और ये ट्रायल बैलेंस के मदद से वहां पे हमको जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट होता है, या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, या बैलेंस शीट होता है, इसको तीनों को मिलकर अपन शॉर्टकट में वहां पे फाइनल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, समझा क्या। तो हमारा जो भी अकाउंटिंग का जो मेन मकसद ये फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ध्यान में आया। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना कि जब तक मेरा लेजर नहीं बनेगा तब तक मेरा ट्रायल बैलेंस बनेगा क्या बोलो? नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है अल्टीमेटली मेरे लेजर के ऊपर डिपेंडेंट, राइट। और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो मेरा आगे का फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बनेगा। तो इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे जो लेजर ये चीज है ना, इसको अपन क्या बोलते बोलो? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्योंकि ये अगर बना तो ही मैं क्या कर सकता हूं बोलो, आगे का जो भी चीज है मेरा, आगे का जो भी ट्रायल बैलेंस वगैरह है वो मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, ध्यान में आया क्या। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, इट इज समराइज रिकॉर्ड विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। मतलब क्या, अभी ध्यान दो। देखो दोस्तों आप इतना समझ लो कि जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे ना, तो जर्नल एंट्री के अंदर आपने जितने भी आइटम को डेबिट किया होगा और जितने भी आइटम को आपने क्रेडिट किया होगा, बराबर, वो सभी आइटम का हमको क्या करना पड़ता है, वहां पे सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने कोई क्रेडिट परचेस किया, तो वो टाइम पे आप क्या एंट्री करोगे?
परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, बराबर। तो ये एंट्री के अंदर आपके यहाँ पे दो अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे, कौन से, पहला वहां पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा परचेसेस अकाउंट और दूसरा मुझे करना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट, समझ रहे हो क्या। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना दोस्तों कि आपने जर्नल एंट्री में आपके जितने भी नाम आएंगे ना, वो हर एक नाम का अपन अलग अलग लेजर बनाएंगे और अगले टाइम पे जब भी अपन वो सेम नाम का ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन को अपन वो स्पेसिफिक अकाउंट में क्या कर देंगे बोलो, रिकॉर्ड कर देंगे, समझ रहे हो क्या। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है वो, द वर्ड लेजर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेजर विच मीन्स टू कंटेन। ठीक है, मतलब लेजर ये वर्ड कहां से है बोलो जल्दी दोस्तों, एक लैटिन वर्ड से है, समझ रहे हो क्या। देखो गाइस, मैं आप सभी लोगों को वापस बोल दूं कि ये जो थ्योरेटिकल चीज है ना, ये जनरली आपको एग्जाम में वगैरह नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी लेजर है ना बेटा, ये लेजर को अपन बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं या इसको हम सेकेंडरी एंट्री वाला भी बुक बोल सकते हैं, क्लियर है क्या। अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने हमको जो दो तीन डेफिनेशन दिया है ना, तो ये दो तीन डेफिनेशन में से अपन जो पहला डेफिनेशन है ना उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और डायरेक्टली अपन जो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर है इसके ऊपर चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो देखो जल्दी से यहाँ पे पहला वाला डेफिनेशन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है अ लेजर अकाउंट में डिफाइन एज अ समरी। तो लेजर क्या होता है बोले, समरी होता है और स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पर्सन एसेट एक्सपेंसेस इनकम विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टू टाइम एंड शोज देयर नेट इफेक्ट। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी मैं लेजर बनाऊंगा तो मेरे ट्रांजेक्शन जो भी अकाउंट के रिलेटेड होगा ना, या मेरा ट्रांजेक्शन जो भी आइटम के रिलेटेड होगा ना, वो सारे के सारे आइटम का यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा, मतलब एक सेपरेट लेजर क्रिएट करूंगा, समझ रहे हो क्या आप लोग। ठीक है, आपको ये लेजर वगैरह जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आपको तभी ये थोड़ा सा और ध्यान में आएगा जब अपन एक्चुअल में इसके प्रैक्टिकल जो भी चीज है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेजर, क्या पढ़ा रहा हूं बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेजर पढ़ा रहा हूं। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला लेजर क्या होता है बोलो, हमारे ट्रांजेक्शन का एक समरी रिकॉर्ड होता है, बराबर। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एसेट के रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन किया होगा तो ये लेजर क्या करेगा, मुझे एसेट अकाउंट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है सभी का समरी प्रोवाइड करेगा। तो अगर मुझे हर एक ट्रांजेक्शन का अगर समरी मिल जाएगा तो वहां पे मुझे डिसीजन मेकिंग लेने में वहां पे फायदा होगा कि नहीं होगा बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ड्यूरिंग द ईयर में मैंने 5 मशीनरी परचेस किया, ठीक है, तो अगर मैंने 5 मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर में अगर परचेस किया होगा और अगर सभी मशीनरी को अगर मैंने एक ही अकाउंट में लिखा होगा तो वहां पे मुझे उसमें से इंटरप्रिटेशन करने में क्या हो जाएगा बोलो, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अभी सेकंड देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टेन विद द लीस्ट ट्रबल व्हाट इज अमाउंट ओवर टू सप्लायर एंड व्हाट इज अमाउंट रिसीवेबल। इसका मतलब क्या दोस्तों कि हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं बराबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने राकेश नाम के पर्सन के साथ मान लो एक महीने में कम से कम समझो फॉर एग्जांपल 80 बार वहां पे ट्रांजेक्शन किया, बराबर। तो अल्टीमेटली मुझे ये पता चाहिए कि नहीं पता चाहिए बोलो कि मुझे एग्जैक्टली राकेश के साथ मैंने इतने ट्रांजेक्शन किए, तो उसके बाद मुझे उसके पास से कुछ पैसा लेना है या वहां पे मुझे उसको कुछ पैसा देना है, बराबर। क्योंकि जब भी अपन बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं और आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो लेजर क्या करेगा ना, यहाँ पे हमको वो जो भी पर्सन है उसको हमको कितना पैसा देना है या उसके पास से कितना पैसा लेना है ये हमको स्पेसिफिकली वहां पे क्या करेगा बोलो, शो करेगा। ठीक है, तीसरा देखो क्या बोल रहा है, इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बराबर। अभी मैंने आपको ये तो बोल दिया है ना कि जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है दोस्तों, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में जो भी मेरा ट्रायल बैलेंस है राइट, तो ये ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए वहां पे मेरे लिए क्या जरूरी है बताओ, लेजर, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बोला कि नहीं बताओ, अगर मेरे लेजर ही अगर क्रिएट नहीं होंगे तो वहां पे मैं ट्रायल बैलेंस बना पाऊंगा क्या बोलो, नहीं बना पाऊंगा, समझा। तो इसके लिए तो यहाँ पे मेरा जो भी लेजर ये चीज है ये मेरे लिए क्या है बोलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कैन बी इजिली नोन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, एसेट अकाउंट एंड लाइबिलिटीज अकाउंट। देखो गाइज, मैं आपको एक काम कर देता हूं, ये जो इंपॉर्टेंस वगैरह वो बोल रहा है ना, इसके साथ साथ मैं आपको क्या करता हूँ, एग्जैक्टली जो लेजर होता है ना वो कैसे होता है ये आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, मतलब आपको भी ध्यान में आएगा मैं क्या बोलने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे उन्होंने हमको कैश अकाउंट दिया राइट। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ,
कैश जो भी ये हमारा एसेट है क्या नहीं बताओ। तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या कि मेरे पास जितने भी कैश ये अभी तक आई है ना वो सारी की सारी कैश को मैं यहाँ पे एक साइड में लिख दूंगा। सारी की सारी मतलब जितने भी मैंने मंथ में मुझे यहाँ पे कैश आई है वो सारी की सारी कैश को मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल ये साइड में लिख लूंगा, ठीक है। और मेरे पास से जितनी भी कैश गई है ना वो सारी की सारी कैश को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ अब जब भी मैं इसको टैली करूंगा, जब भी मैं इसको स्टडी करूंगा, तो वहां पे मुझे पता चलेगा ना कि हाँ बाबा मुझे पूरे मंथ में ना ये पर्सन के पास से इतना इतना पैसा आया था और मेरा पूरे मंथ में ये पर्सन को इतना इतना पैसा गया, बराबर। और एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा यहाँ पे मान लो स्पेसिफिक एक्स वाई जेड अमाउंट मेरे पास बचा। ये मुझे कब ध्यान में आएगा बताओ, जब मैं कैश के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे एक जगह पे लिख दूं, बराबर। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स है या जितने भी लाइबिलिटीज है, अगर मुझे ये देखना होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास टोटल मिला के कितने एसेट्स है बाबा, मेरे पास टोटल मिला के कितने अमाउंट का मशीनरी बाबा, तो ये मुझे कहां से पता चलेगा बोलो, लेजर अकाउंट से पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि लेजर में क्या होता है जैसे मैंने आपको बोला एक समरी हो जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं पांचवा, इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस शोन बाय डिफरेंट लेजर अकाउंट, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या मालूम है क्या, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, या जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये सारी की सारी चीजें मैं कैसे बना सकता हूँ बोलो, लेजर की मदद से बना सकता हूँ। क्योंकि लेजर मुझे क्या करेगा दोस्तों, वहां पे जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ना वो मुझे प्रोवाइड करेगा, ध्यान में आया क्या। आगे क्या बोल रहा है देखो, लेजर कैन बी यूज एज अ कंट्रोल टूल एज इट शोज द वेरियस एक्सपेंसेस विद द बैलेंस। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वेरियस एक्सपेंसेस विद द बैलेंस मतलब क्या, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या किया, एक सैलरी नाम का यहाँ पे अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया, सैलरी नाम का एक अकाउंट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया, बराबर। और मैंने क्या किया दोस्तों, साल भर में मैंने जितने भी सैलरी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए ना वो सारे के सारे सैलरी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन मैंने ये एक ही अकाउंट में लिख दिए, बराबर। तो मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा ना कि हाँ बाबा मैंने सैलरी के नाम से यहाँ पे टोटल मिला के कितने ट्रांजेक्शन किए और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा सैलरी की वजह से यहाँ पे एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ। ये मुझे कब पता चलेगा बोलो, जब मैं एक स्पेसिफिक जगह पे उसको लिखूंगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे उन्होंने क्या बोला है, लेजर कैन बी यूज टू कंट्रोल टूल, मतलब कि हमको ध्यान में आएगा कि हाँ बाबा ये रीजन की वजह से मेरा इतना खर्चा हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो खर्चे को हम रोक सकते हैं ना। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट शोन इन द लेजर इट इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट टू फोरकास्ट और प्लान द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी यहाँ पे आप लेजर बनाओगे तो वहां पे मैनेजमेंट जो भी होता है, जो भी मैनेजर होता है उसको डिसीजन मेकिंग करने में उसको हेल्प हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे उसको जो भी डेटा है वो एक जगह पे उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं पूरे लेक्चर को अगर कंक्लूड करूं तो इतना याद रखना कि जर्नल में क्या होता था, सभी ट्रांजेक्शन वहां पे हमारे मिक्स रिकॉर्ड होने के, और लेजर में क्या होगा दोस्तों, हम हर एक ट्रांजेक्शन जो भी आइटम होगा वो सभी ट्रांजेक्शन को अपन वो आइटम वाइज क्या करेंगे बोलो, क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेरे परचेस हुए वो सभी परचेसेस को एक अकाउंट में लिखो, जितने भी सेल हुए वो सभी सेल को एक अकाउंट में लिखो, जितने भी मेरी मशीनरी है सभी मशीनरी को एक जगह पे लिखो, तो मुझे क्या होगा उस आइटम के रिलेटेड के सभी ट्रांजेक्शन एक जगह पे मिलेंगे और वहां पे मुझे थोड़ा सा स्टडी करने में, वहां पे उसका क्लोजिंग बैलेंस निकलने में मुझे फायदा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको थोड़ा बहुत लेजर मैंने अभी तक जो भी बताने की कोशिश की आपको उतना समझा होगा, राइट। मैं वापस बोल रहा हूं कि हमको ये जो भी थ्योरी वगैरह ने एज अ फॉर्मेलिटी करके लेना है, राइट, क्योंकि आपको ये एग्जाम में वगैरह नहीं पूछा जाता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। जो भी आगे का चीज होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो क्या करने का बताओ, लाइक करने का, चैनल पे नहीं रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे सभी को शेयर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। We'll be right back.